आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह मोटोरोला मोटो 8NG मोबाइल में कॉल लॉक्स पर से पासवर्ड किस तरह हटा सकते हैं। अगर अभी मैं कॉल लॉक्स ओपन करूंगा तो वहां पर पासवर्ड मांगेगा। मेनू में जाता हूं और कॉल लॉक्स ओके करता हूं। तो यहां पर ये पासवर्ड मांग रहा है। जब तक मैं यहां पर फ़ोन पासवर्ड नहीं डालूंगा तो मैं मिस कॉल, रिसीव कॉल, डायल कॉल, किसी भी तरह का कोई कॉल्स नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि कॉल लॉक्स पर पासवर्ड लगा हुआ है। तो किस तरह कॉल लॉक्स पर से पासवर्ड हटाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बैक आ जाता हूँ और फिर आपको मेनू में जाना है। उसके बाद आपको ये बटन से नीचे आना है, सेटिंग्स में आपको ओके करना है, फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे जाना है आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसे ओके करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना पड़ेगा, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसे ओके कर देना है और यहाँ पर आपको कॉल लॉक्स दिखाई देगा। तो ये ऑन है, इसका मतलब अभी पासवर्ड लगा हुआ है, तो ओके कर देना उस पर। और यहाँ पर आपको फ़ोन पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो अभी डिफ़ॉल्ट जो फ़ोन पासवर्ड है वो है 4321। आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल देता हूँ 4321 और ओके कर देता हूँ। अनलॉक्ड, ये अनलॉक्ड हो गया। अब मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं कॉल लॉक्स ओपन करके देखता हूँ ओपन होता है या नहीं। कॉल लॉक्स ओपन करने के लिए मेनू में जाना है, फिर आपको कॉल लॉक्स पर ओके करना है। तो यहाँ पर अब कॉल लॉक्स ओपन हो रहा है।